ये नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं ऋषि मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज हमारे पास ये फेस वाश है, आज हम इसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों इसकी पूरी जानकारी देंगे, इसके यूज़ देंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे और इसके एक्सटर्नल डोज बताएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों ये जो हमारे पास फेस वॉश है, तो दोस्तों इसका जो कंपनी ने ब्रांड नेम रखा है वो है इसका लेकनी। इसका कंपनी ने ब्रांड नेम रखा है दोस्तों, अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाता है, जिसके आप नीचे फोटो में देख रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों वैसे तो मार्केट में बहुत सारे फेस वॉश आते हैं, जैसे कि हिमालय का फेस वॉश हो गया या और अदर बहुत सारे इससे नीचे फोटो में दिख रहे हैं। तो ये सिर्फ अलग फेस वॉश है दोस्तों, ये डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन से मिलने वाला फेस वॉश है, जैसे कि आप नीचे आप देख रहे हैं, इस पर लिखा भी है यहाँ वाश। तो दोस्तों ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे मिलता है और दोस्तों इसको जो डॉक्टर यूज़ करते हैं वो डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर इसका यूज़ करते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट यानी फार्मूला यानी सॉल्ट नेम, इसका केमिकल नेम मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें। जल्दी से मैं आपको दोस्तों देता हूँ कि किस तरीके का होता है ये फेस वाश। तो देखिए कुछ इस टाइप का फेस वाश होता है देखने में, और इसको यहाँ से करना करने का मतलब आप अपने हाथ पे फेस में ले सकते हैं और इससे फेस सफा कर सकते हैं, धो सकते हैं। एसिड तो ये कुछ टाइप का होता है, जिससे आप देख रहे हैं दोस्तों काफी अच्छा ये लंबी हो जाएगी, पूरा नहीं बता पाऊंगा मैं शॉप में बता दूं दोस्तों। एक बार जरूर ऑरेंज भी है दोस्तों इसके अंदर, लेमन भी है और वाटर भी है इसके अंदर है, 20 डीमेथिकोन भी इसके अंदर है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं फोटो में ये अलग, ये आप देख रहे हैं जहाँ एरो है, तो इसका जो सॉल्ट फार्मूला होता है अलग अलग फार्मूलों से आता है दोस्तों, अलग अलग मिलता है ये। तो दोस्तों इसके अंदर होता है सैलिसिलिक एसिड, एसिड होता है आपको फॉर्मिंग फेस वॉश है। तो दोस्तों ये जो चेहरे पे, अब मैं इसका यूज़ बता रहा हूँ आपको, जैसे चेहरे पे कील हो जाती है और सबसे ज़्यादा जो इसका यूज़ लिया जाता है वो मुहासों में, इसका यूज़ जो मेनली यूज़ लिया जाता है वो मुहासों के लिए इसका यूज़ लिया जाता है, हो जाते हैं उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। और अदर में मैं बता रहा हूँ आपको इसका यूज़ जो लिया जाता है, आने निकल जाते हैं या पिंपल्स हो जाते हैं इससे, और या ब्लैक काले निशान हो जाते हैं, या आपकी स्किन रूखी होती है उसको भी ये सॉफ्ट मुलायम बनाता है। यूज़ टाइमिंग होता है जो इसकी, मैं अब आपको इसकी डोज के बारे में बता रहा हूँ, ये एक्सटेंडर जो डोज ली जाती है मतलब इसे कितने टाइम तक इसको यूज़ करना होता है। तो दोस्तों इसे हम तकरीबन 1 मंथ से 2 मंथ तक इसका यूज़ कर लेते हैं। अगर ये आपको शूट कर रहा है, आपकी स्किन को शूट कर रहा है, तो आप इसे कुछ लंबे समय तक भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अन्यथा नहीं कर रहा तो आप इसे तुरंत बंद कर अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लें। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसकी डोजेज होती है दोस्तों, तो वो रात में आप सोते समय इससे आप मुंह धो सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है, इसे सुबह शाम तो करते ही हैं लेकिन रात में अगर आप धोएंगे मुंह तो काफ़ी अच्छा आपका फेस इससे क्लीन होके आएगा, जो काले निशान दाने या मुहासे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे आपके फेस से। तो रात में काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहता है, और इसे 2 टाइम इसको धोना होता है, एक सुबह और एक शाम रात में, तो इसे आप लगा सकते हैं तो आपका फेस काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेता हूँ दोस्तों, इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं कुछ कॉमन से, आपकी आंख में नहीं जाए या जले कटे पे इसका यूज़ नहीं करें आप, मतलब आपका चेहरा जल गया या कट गया कहीं से तो वहाँ पे इसका यूज़ नहीं करें, अन्यथा आपको ज़्यादा इससे नुकसान हो सकता है। आपको इसकी MRP बताई थी, तो दोस्तों इसकी जो MRP है वो 459 की है, यानी कि ये 450 के समथिंग है। ये दोस्तों अपने MRP से घटता बढ़ता रहता है, जेनरिक में थोड़ा कम का मिल जाता है। और दोस्तों इसकी जो ये चलता कितने टाइम है दोस्तों, ये तो सिर्फ 2 साल की इसकी एक्सपायरी आती है, 21 से 23 तक 2 साल के लिए ही ये अच्छा काम करता है, मतलब 2 साल के बाद में एक्सपायर हो जाता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ, फॉर एक्सटर्नल यूज, इसे बाहर से यूज़ करना होता है फेस धोने के लिए, इसका यूज़ लिया जाता है। तो दोस्तों अब मैं इसको, ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे मिलता है, तो दोस्तों इसका जो यूज़ लिया जाता है वो कील मुहासे आपके चेहरे पर हो जाएँ या मतलब झाइयाँ हो जाती हैं उसकी समस्या हो जाती है उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है, दाने हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है, और आपकी स्किन को मुलायम बनाने में भी इसका यूज़ लिया जाता है। और दोस्तों खसदन जो बनाया गया है मुहासों के लिए ही बनाया गया है, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर इसका यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।